Hey guys, welcome back to the Balaji classes and the foundation. As you know, my channel name is Balaji Study Point and the foundation. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एयरफोर्स का न्यू बैच, जिसमें कि जो एयरफोर्स और नेवी में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जीएस की, तो उनको हम लोग याद करेंगे, वो भी ट्रिक से. सो बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं. उसके पहले ये बता दें, जो आपका फिजिक्स और इंग्लिश वो भी स्टार्ट हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल पे बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि अब एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन फिजिक्स और इंग्लिश की वजह से बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है. मेहनत आपकी, जिम्मेदारी हमारी. ठीक है, तो हम चलते हैं. जैसे कि दिया हुआ है, सबसे पहले हम बात करें, क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े राज्य. क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े राज्य, तो वैसे तो हमें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे आसान सा ट्रिक है. ट्रिक क्या है इसके लिए, राम महान है आप, राम महान है आप. राम को तोड़ के लिख लिया रा, रा से मतलब राज्य, राजस्थान. मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा आपका, राजस्थान, वो भी क्षेत्रफल के आधार पर. आप क्वेश्चन को समझना, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका हो गया राजस्थान. मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में दूसरा आपका आता है मध्य प्रदेश. महान से तीसरा आपका, इस महा को आप महाराष्ट्र से जोड़ लीजिए, तो तीसरा राज्य आपका आ गया क्षेत्रफल के आधार पे महाराष्ट्र. और चौथा राज्य जो आप लिखा हुआ है, तो आपका आप आ ले लीजिए और आ से आप जोड़ लीजिए आंध्र प्रदेश. तो एक आसान सी ट्रिक थी इसके लिए, राम महान है आप, और राम से हम समझ गया, रा से राजस्थान, मा मध्य प्रदेश, और महान से महाराष्ट्र, और आप से आंध्र प्रदेश. तो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आज के लिए, अब डेमो है नॉर्मल सा, अभी आज दो ही क्वेश्चन कराएंगे. उसके बाद में आज का जो हमने बताया भी था कि करंट अफेयर्स भी चलने वाली है साथ में, ये समझ लीजिए कि आपके कोई क्वेश्चन रहने वाले नहीं, केवल बस आपको लाइक शेयर और कमेंट्स करना और चैनल पे बने रहना. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रफल के आधार पे बेटा, कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत के बड़े राज्य कौन से. अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बेस पे, जनसंख्या के आधार पे भारत के बड़े राज्य. तो जनसंख्या के आधार पे अगर बात करें, तो ट्रिक उसकी है यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा. ट्रिक क्या है बेटा, यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा. यूपी से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश. जब अगर पॉपुलेशन के बेस पे बात होगा, तो सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा बेटा, उत्तर प्रदेश. उसके बाद में बिहारी से आप जान जाओगे बिहार हो जाएगा, गाल लास्ट में बंगाल. तो अगर बंगाल को आप लिखोगे तो ऐसा होता है, तो गाल से आप समझ जाइए किसकी बात कर रहा है बेटा, बंगाल की बात कर रहा है. और मारा, मारा को आप कन्वर्ट कर लीजिए महाराष्ट्र में. तो ये सेकेंड आपका क्वेश्चन जो पॉपुलेशन के बेस पे था, जो स्टेट, तो उसके लिए आप बोलेंगे जनसंख्या के आधार पे जिसको आप बोलते हैं. ट्रिक क्या हो जाएगी, यूपी ने बिहारी के गाल पर मारा, यूपी से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश. तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पे आप ध्यान रखना, किसके आधार पे बेटा, जनसंख्या के आधार पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, और क्षेत्रफल के आधार पे आपका राजस्थान हो जाता है. अब सेकेंड बिहार हो गया आपका, तीसरा आपका हो गया बंगाल, और चौथा हो गया महाराष्ट्र. सो आज के लिए इतना ही था. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको करंट अफेयर्स और लेटेस्ट अपडेट या जो सोशल इश्यूज होंगे उस पर भी बात करेंगे. हमने एक दिन बताया भी था कि हम लोग जीडी पे भी बात करेंगे. रिटन टेस्ट निकलने के बाद में जो बच्चे इंग्लिश से घबराए हुए हैं, बिल्कुल भी ना घबराए, बालाजी स्टडी पॉइंट आपके साथ कदम में कदम मिला के चलेगा. केवल आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा उसको करते रहिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. जय हिंद जय भारत.